सद्गुरु कबीर ने कहा है, घूंघट का पट खोल रे तो को पीव मिलेंगे। घट घट में वही साई बसत है, कटुक बचन मत बोल रे। धन जौबन का गर्व न कीजिए, झूठा पचरंग चोल रे। सुन महल में दीना बारिले, आशा से मत डोल रे। जोग जुगत से रंग महल में, पी पाए अनमोल रे। कहत कबीर आनंद भयो है, बाजत अनहद ढोल रे। सद्गुरु कबीर का यह पद बहुत प्रसिद्ध पद है। घूंघट का पट खोल रे तो को पियो मिलेंगे। घूंघट महिलाएं साड़ी के पल्लू से सिर को, चेहरे को ढक लेती है, उसे घूंघट कहा जाता है। अब कोई युवती अपने घूंघट से चेहरे को ढक करके रखी हुई है बराबर, तो अपने पति का दर्शन वो कैसे कर सकती है? उसके लिए घूंघट हटाना पड़ेगा। साहब एक रूपक देते हैं, मनोवृत्ति मानो दुल्हन है, आत्मा चेतन उसका पति है। और साहब ने इसके लिए बहुत जगह रूपक दिया है। सद्गुरु कबीर कहते हैं कि ऐ मनोवृत्ति, ये घूंघट अविद्या का पर्दा हटा दे, तब तुम्हें आत्मा रूपी पति का दर्शन होगा। हमारी मनोवृत्ति अज्ञान में डूबी हुई है, अविद्याग्रस्त है, मोह माया से घिरी हुई है, इसलिए आत्मा साक्षात्कार नहीं होता। आत्मा हमारा ही अपना स्वरूप है, हम खुद ही आत्मा हैं, फिर भी हमें आत्मबोध क्यों नहीं होता? जिंदगी भर हम आत्मबोध से, आत्मा साक्षात्कार से वंचित क्यों रह जाते हैं? क्योंकि मनोवृत्ति अविद्या से ढकी हुई है। इसे अविद्या कहें, वासना कहें, मोह माया कहें, अहंता ममता कहें, बात सब एक ही एक है, कहने के तरीके हैं। हमारा मोक्ष हमसे कितना दूर है, जितना हमारा मोह है उतना हमारा मोक्ष हमसे दूर है। मोह ज्यादा तो मोक्ष बहुत दूर, मोह कम तो मोक्ष निकट, और मोह बिल्कुल नहीं तो मोक्ष मिला मिलाया। मोक्ष का अर्थ ही है, देहाती ढंग से समझ लें, मोह और छह, ये दो शब्द मिलकर के मोक्ष बनता है। मोह कहते हैं मोह को, और छह कहते हैं क्षय को। मोह का क्षय हो जाना, मोह का मिट जाना, बस यही मोक्ष है। पाना कुछ नहीं है, जाना कहीं नहीं है, भटकना कहीं नहीं है, केवल मोह का क्षय करना है। मोह को मिटा दो,
तो मुंह ही वह पर्दा है जो हमारे लिए घूंघट बन जाता है, आत्म साक्षात्कार हमें करने नहीं देता है। स्वरूप बोध, आत्म साक्षात्कार करना है तो विवेक द्वारा अविद्या के पर्दे को फाड़ करके फेंक दें। शरीर सामने है, शरीर संबंधी प्राणी पदार्थ सामने हैं, तो शरीर का निर्वाह लेना है, प्राणी पदार्थों की व्यवस्था करना है, लेकिन उनके प्रति मोह करके दिन रात उन्हीं के बारे में सोचते रह करके हम कौन सा लाभ ले लेते हैं, कौन सा अपना भला कर पाते हैं। सब समय पास रहने वाला कौन है? हमारा अपना आपा। उस आत्मा के लिए मोह करें? यद्यपि आत्मा के लिए मोह करना यह प्रयोग अच्छा नहीं लगता, आसक्ति शब्द है। आसक्ति बाहर के प्राणी पदार्थों के प्रति होती है। आसक्ति का अर्थ है जिसे हमने प्रिय मान रखा है उसे देखे बिना चैन ना पड़ना। किसी युवती का मन किसी युवक में लग गया है, किसी युवक का मन किसी युवती में लग गया है, अब दोनों एक दूसरे के बिना व्याकुल, इसे कहते हैं आसक्ति। ऐसे ही और जो जहां आदत बना लेता है, ये तो युवक युवती सामने है, जो जहां आसक्ति बना लिया किसी प्राणी के प्रति, किसी पदार्थ के प्रति, किसी रूप के प्रति, किसी विषय के प्रति, जो हमें अपने आप में न रहने दे, जिसकी याद आने पर हमारा मन अत्यंत व्याकुल, चंचल और पीड़ित हो जाए, बस वही आसक्ति है। तो जैसे हमारी आसक्ति बाहर के प्राणी पदार्थों के प्रति है, वैसे ही हमारी आसक्ति अपने आत्मा के लिए हो जाए, आत्मा के प्रति आसक्ति हो जाए, तो दुख का कोई कारण ही नहीं। तो आत्मा के प्रति आसक्ति शब्द का प्रयोग कम होता है। स्वामी शंकराचार्य ने भी ये कहा है विवेक चूड़ामणि में, आत्मा के लिए, अपने स्वरूप के लिए आसक्ति हो जाए तो बंधन नहीं रह जाएगा। लेकिन आत्मा के प्रति आसक्ति कहाँ होती है, स्वरूप प्रति आसक्ति कहाँ होती है? क्योंकि हमारा चिंतन किसके बारे में होता रहता है? सोचें कि मन रात दिन किसके बारे में सोचता रहता है? सुबह से शाम तक क्या सोचते हैं आप? शरीर, शरीर संबंधी प्राणी पदार्थ, देह के नाम, रूप, पांचों इंद्रियों के भोग, पद प्रतिष्ठा, बस इन्हीं के बारे में सोचते हैं। और जितना इनके बारे में सोचते हैं मन उतना मानो मूर्छित होता चला जाता है, और यही फिर दुख का कारण बनता है। इसलिए स्वामी शंकराचार्य ने यह भी कहा है, अनात्म चिंतनम त्यक्त्वा कस्मलम दुख कारणम चिंतमात्मान रूपम चित्तमात्मानंद रूपम यन मुक्ति कारणम। अनात्म चिंतनम त्यक्त्वा, अनात्म चिंतन का त्याग कर दो। अनात्म कौन? शरीर से लेकर सारा संसार अनात्म है, शरीर ही अनात्म है। अनात्म जो आत्मा नहीं है, अपना नहीं हो, जो अपना न बन सके,
जिसे हम कितनी मेहनत करके भी अपना ना बना सकें, जो अभी साथ में है कुछ देर बाद साथ छूट जाएगा, वो सब अनात्मा है। अब आप सोचिए कि आपके अपने स्वरूप के अलावा क्या ऐसा है जिसे आप अपना बना करके रख सकते हैं? कुछ भी तो नहीं है, तो सब अनात्मा है। तो अनात्म चिंतनम त्यक्त्वा, अनात्म चिंतन का त्याग करें। क्यों? कश्मलम दुख कारणम, अनात्म चिंतन कश्मल मूर्छा मन के विकार और दुख का कारण बनता है। ये अनात्म चिंतन ही घूंघट है, अनात्म चिंतन ही पर्दा है आत्म साक्षात्कार, स्वरूप साक्षात्कार, ब्रह्म साक्षात्कार करने में। इसलिए आत्मचिंतन जो मुक्ति का कारण होता है, तो घूंघट का पट खोल रे तो को पीव मिलेंगे। ए मनोवृत्ति, अविद्या का मोह माया का पर्दा हटा दे तो पीव परमात्मा आत्मा का साक्षात्कार हो जाएगा। पाना कुछ नहीं है, पाने का भ्रम छोड़ दें, न ईश्वर पाना है, न ब्रह्म पाना है, न मोक्ष पाना है, कुछ नहीं पाना है। कहा तो जाता है, साधुओं से लोग पूछते हैं, महाराज अब क्यों साधु हो गए, साधना क्यों कर रहे हैं, तपस्या क्यों कर रहे हैं? तो कहते हैं कि मोक्ष पाने के लिए, मुक्ति पाने के लिए। मुक्ति उक्ति पाना होना कुछ नहीं है, मुक्ति मिलेगी तो छूट जाएगी, मोक्ष मिलेगा छूट जाएगा, क्योंकि जो चीज मिलेगी छूटना पक्का है। इसलिए न मुक्ति न पाना है, न मोक्ष पाना है, न ईश्वर ब्रह्म परमात्मा पाना है, तो फिर साधना क्यों करना है? जब पाना कुछ नहीं है, न ईश्वर मिलेगा, न ब्रह्म मिलेगा, न मोक्ष मिलेगा, पाना कुछ नहीं है, तब फिर साधना की क्या जरूरत? साधना करना है बंधनों को काटने के लिए। हम दुखी क्यों हैं? क्योंकि हमारा मन बंधा हुआ है। बंधन क्या है? आसक्ति, मुंह, मन के विकार। तो जो हमारे मन में आसक्ति है, मोह है, विकार है, इनको काटने के लिए ही साधना की आवश्यकता है। विवेक द्वारा, विचार द्वारा, संयम द्वारा, साधना द्वारा बंधन काटते गए, काटते गए, काटते गए, और काटते काटते सारे बंधनों को आपने काट डाला। अब एक भी बंधन नहीं रह गया, शेष जो रहेगा वही मोक्ष होगा, शेष जो बचेगा वही मुक्ति होगी। जैसे कोई आदमी सिर से लेकर के पैर तक हजारों रस्सियां छोटी बड़ी अपने पूरे शरीर में लपेट रखा हो और उनके कारण अब उसे चलना फिरना उठना बैठना मुश्किल हो रहा हो, तो उन रस्सियों को छुड़ाने के लिए क्या नाम जप की आवश्यकता है? क्या पूजा पाठ की आवश्यकता है? किसी ईश्वर ब्रह्म को गोहराने की आवश्यकता है? कुछ नहीं, एक एक रस्सी धीरे धीरे खोलते जाओ, खोलते जाओ, खोलते जाओ, खोलते जाओ, पूरी रस्सियां खुल गई, आप स्वतंत्र हो गए। रस्सियां बंधी थी, आप परतंत्र परवश, सारी रस्सियां खुल गई, एक भी रस्सी शरीर पर नहीं रह गई, आप स्वतंत्र हो गए, स्वतः हो गए। ये उदाहरण है। ऐसे ही जब कोई बंधन नहीं रह गया, निर्बंध अवस्था आ गई, उसी दशा का नाम है मोक्ष, उसी दशा का नाम है मुक्त, और उसी दशा का नाम है
ईश्वर ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति, निर्माण की प्राप्ति, कैवल्य की प्राप्ति, ब्राह्मी स्थिति की प्राप्ति, अब पाना कुछ नहीं है, शेष अपने आप रह जाना है। योग दर्शन के अंत में सबसे अंतिम सूत्र जहां योग दर्शन समाप्त हो जाता है, वहां मर्ति पतंजलि कहते हैं पुरुषार्थ शून्यानाम गुणानाम परप्रस्व कैवल्यम स्वरूप प्रतिष्ठा वाची शक्ति रीति। स्वरूप प्रतिष्ठा, आत्म प्रतिष्ठा हो गई, बस काम पूरा हो गया। तो ये आत्म प्रतिष्ठा, स्वरूप प्रतिष्ठा कब तक नहीं होगी? जब तक ये घूंघट है, अविद्या का पर्दा, मोह माया का पर्दा, आसक्ति का पर्दा, इसे हम विवेक द्वारा हटाएंगे नहीं। इस आसक्ति को, अविद्या को, मोह माया को विवेक द्वारा काटा नहीं जाएगा, तब तक आत्मप्रतिष्ठा नहीं हो सकती है, तब तक स्वरूप साक्षात्कार नहीं होगा। उसको हम कह सकते हैं, यदि आप ईश्वर को पाना चाहते हो, ब्रह्म को पाना चाहते हो, मोक्ष पाना चाहते हो, आत्मा पाना चाहते हो, तो अविद्या के पर्दे को हटा दो, मन के विकार मोह माया को दूर कर दो, बस सब मिल जाएगा। कहने के तरीके सब हैं, घट घट में वही साईं बसत है, कटुक बचन मत बोल रहे। साहब कहते हैं वह जो परमात्मा है जिसे तुम पाना चाहते हो, जैसे तुम्हारे भीतर बैठा हुआ है चेतन के रूप में, आत्मा के रूप में, वैसे वो घट घट में बसा हुआ है। कोई घट ऐसा नहीं है जिसमें परमात्मा का निवास ना होता हो। सद्गुरु कबीर का परमात्मा घट घट में, कण कण में नहीं है, कण कण में है, एक भावना की बात है। कभी यह परमात्मा तो कण कण में है, लेकिन ये केवल भावना है, तथ्य नहीं है, हकीकत नहीं है। परमात्मा यदि कण कण में है तो पैर कहाँ रखोगे? परमात्मा में पैर रखोगे ना। हाँ, यदि घट में है तो चींटी देखोगे, भाई चींटी है तो जानबूझ तो पैर नहीं रखोगे, लेकिन परमात्मा तो कण कण में है, धूल गर्द सब में है, कहाँ पैर रखोगे? अब परमात्मा में पैर रखना तो अपराध है, चल फिर पाओगे? यदि कनकन में परमात्मा है, तब कनकन में परमात्मा है तो टट्टी पे साहब कहाँ जाओगे? परमात्मा पे टट्टी करोगे क्या? यदि कनकन में है तब तो केवल भावना की बात है, ये कनकन में है, कहने में अच्छा लगता है, लेकिन ये हकीकत नहीं है। घट घट में है, भूतेषु भूतेषु विचित्य धीरा, ये कठोपनिषद में यमराज ने कहा है नचिकेता को, भूतेषु भूतेषु प्राणी प्राणी में, प्राणी प्राणी मतलब घट घट में, बात वही आ गई। तो साहब कहते हैं घट घट में वही साईं बसत है, प्रत्येक घट में, प्रत्येक शरीर में वो साईं आत्मरूपी परमात्मा बसा हुआ है। सब घट मेरा साइया सुनी सेज न कोई, साहब एक अन्य साखी में कहते हैं मेरा परमात्मा सभी घटों में, कोई घट रूपी सेज सुना नहीं है उससे। करना क्या है? कटुक बचन मत बोल रहे, कटु बचन का त्याग कर दो। एक काम हम लोग यही कर लें, अपनों से, पराये से, छोटे से, बड़े से, परिचित से, अपरिचित से, कटु वचन का त्याग, परमात्मा की पूजा हो गई। है ये कठिन, क्योंकि आदत बिगड़ गई है, एक तो अहंकार है, बिगड़ी आदत,
दूसरों का कटु वचन हमें प्रिय नहीं होता है, लेकिन हम बोलते हैं तो हमारा कटु वचन दूसरों को प्रिय नहीं होगा। इसलिए कटु वचन, हमें मीठी वाणी प्रिय है तो हम भी दूसरों को मीठी वाणी दें, जो हम देंगे वही लौट करके मिलेगा। मीठी वाणी बोल करके हमारा मन प्रसन्न रहेगा और सुनने वाले का भी मन प्रसन्न रहेगा। सबसे पहली बात है कि अपने मन में कड़वाहट ना हो। मन में कड़वाहट होगी तो वाणी में कड़वाहट आएगी और कर्मों में कड़वाहट आएगी। इसलिए मन की कड़वाहट को तो दूर करें, साथ साथ वाणी की भी कड़वाहट दूर करना होगा। यही एक साधना हम लोग कर लें तो बहुत सारे अनर्थों से हम बच सकते हैं। वाणी की कड़वाहट जबरदस्त घाव करती है। आदमी यदि बोलना जाने तो वाणी जैसा अमृत, वाणी जैसी औषध दुनिया में और कुछ नहीं है, और बोलना न जाने तो वाणी जैसा जहर और वाणी जैसा घाव बनाने वाला भी दूसरा कोई नहीं है। किसी ने पूछा कि यह बताओ कि आदमी के शरीर में सबसे निकृष्ट अंग कौन है, खराब से खराब अंग कौन है? तो उत्तर देने वाले ने कहा कि आदमी के शरीर में सबसे निकृष्ट अंग है जीभ। कहा अच्छा, तो ये बताओ आदमी के शरीर में सबसे बढ़िया अंग, उत्तम अंग, सुंदर अंग कौन है? तो उत्तर देते वाले ने कहा कि आदमी के शरीर में सबसे सुंदर अंग है जीभ। तो उन्होंने कहा ये कैसे कहते हो, अभी मैंने पूछा कि सबसे खराब अंग, निकृष्ट अंग कौन है, तो कहते हैं जीभ, और सबसे सुंदर अंग पूछता हूं तो कहते हैं जीभ। तो वही जीभ सबसे निकृष्ट कैसी हो जाएगी और वही जीभ सबसे उत्तम कैसे हो जाएगी? तो उन्होंने कहा आदमी बोलना ना जाने तो सबसे निकृष्ट अंग जीभ है, और बोलने की कला आ जाए तब सबसे सुंदर अंग जीभ है। जिह्वा में अमृत बसे, जो कोई बोले, जो कोई जाने बोल। सद्गुरु कबीर कहते हैं यदि आदमी बोलने की कला जाने तो आदमी की जीभ में अमृत बसता है। लेकिन गलत आदत के कारण से हम लोगों ने अपनी जीभ को जहर बनाने का कारखाना बना रखा है। साहब कहते हैं घट घट में वही साईं बसत है, कटुक वचन मत बोल रे। घट घट में वह परमात्मा बसा हुआ है, इसलिए कटु वचन मत बोलो, कटु वचन का त्याग। धन जोबन का गर्व न कीजिए, झूठा पचरंग चोल रे। धन, जवानी, पद, प्रतिष्ठा, किसी का भी अहंकार न करो, क्योंकि झूठा पचरंग चोल रे, पांच रंग मिट्टी पानी आग हवा आकाश, इनसे बना हुआ ये शरीर झूठा है, आज का है कल नहीं रहने वाला है। या फिर पांच ज्ञानेन्द्रियां, आँख नाक कान जीभ त्वचा, इन पांचों ज्ञानेन्द्रियों से मिलने वाले पांचों विषय सब स्पर्श रूप रंग सब झूठे हैं, बदलने वाले हैं, स्थिर रहने वाला कोई नहीं है। फिर किसका अहंकार? इसलिए अहंकार का त्याग।
त्याग, एक अहंकार का त्याग कर दें तो जीवन स्वर्ग बन जाएगा, अमृत बन जाएगा। अहंकार हमारी सारी योग्यताओं को, सारे सद्गुणों को मटिया मेट कर देता है। एक अहंकार है आदमी में, और बहुत सारे सद्गुण तो है, लेकिन एक अहंकार आ गया तो सब कुछ को खराब कर दिया। साहब ने कहा है, नौ मन दूध बटोरी के टिपके किया विनाश। कोई आदमी नौ मन दूध इकट्ठा किया, अब नौ मन दूध तो बहुत ज़्यादा होता है, और नौ मन दूध इकट्ठा करने के लिए बहुत भटकना पड़ेगा, बहुत समय लगेगा, बड़ी मेहनत लगेगी। लेकिन बड़ी मेहनत करके नौ मन दूध बटोरा तो, और बटोरने के बाद गरमाया, और जब गरमाया दूध खौलने लगा तब आम की खटाई डाल दिया, परिणाम क्या होगा? दूध फाट कांची भया हुआ घृत कनौ, सारा दूध फट जाएगा, काम लायक नहीं रहेगा। ऐसे ही जीवन में तमाम सद्गुण है, तमाम सद्गुण हैं, एक अहंकार आ गया मतलब खटाई पड़ गया। फिर इसलिए अहंकार का त्याग, अहंकारी आदमी के जीवन में नीचे से ऊपर तक कांटे 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 ही रह जाते हैं। जैसे ताड़ के पेड़ में नीचे से ऊपर तक कांटे कांटे ही रहते हैं, है तो ताड़ का पेड़ बहुत ऊंचा, बड़ा लंबा, लेकिन न फल और न छाया, केवल कांटे। बस ऐसे ही अहंकार की दशा है। शांति के मार्ग में, मोक्ष के मार्ग में, कल्याण के मार्ग में, परमात्मा के मार्ग में बाधा क्या है? केवल अहंकार है। उदाहरण शायद एक दिन दिया था, फिर दोहरा देता हूं। जब तक अहंकार मन में है तब तक जीवन में शांति नहीं आएगी, आत्मानुभव नहीं हो सकता है। जैसे रेलगाड़ी पटरियों पर सर पर दौड़ती है, बड़ी तेजी से दौड़ती है, लेकिन ड्राइवर देखता है कि सिग्नल डाउन नहीं हुआ है, गाड़ी खड़ी कर देता है। कितनी तेज दौड़ रही है गाड़ी, सिग्नल डाउन नहीं हुआ तो ड्राइवर एक इंच भी गाड़ी आगे नहीं बढ़ा सकता है। राजधानी एक्सप्रेस ही क्यों ना हो, जहां का तहां ड्राइवर खड़ा कर देगा, एक इंच आगे नहीं बढ़ा सकता है। जब सिग्नल डाउन होता है तभी गाड़ी स्टेशन पर आती है। सिग्नल डाउन नहीं है, घंटों खड़ी रहेगा गाड़ी, ड्राइवर स्टेशन पर नहीं लाएगा। सिग्नल डाउन होने पर ही गाड़ी स्टेशन पर आती है। ठीक इसी प्रकार हमारे अहंकार का सिग्नल डाउन होता है तब परमात्मा का प्रवेश हमारे भीतर होता है। हमारे अहंकार का सिग्नल डाउन होता है तब मोक्ष का प्रवेश अंतःकरण में होता है। हमारे अहंकार का सिग्नल डाउन होता है तब शांति का प्रवेश अंतःकरण में होता है। क्या अहंकार के सिग्नल को डाउन करने के लिए हम लोग तैयार हैं? अहंकार बड़ा प्यारा है हमको, और शिकायत क्या है? शांति नहीं मिलती, परमात्मा नहीं मिलता, मोक्ष नहीं मिलता, भगवान नहीं मिलता, कहाँ से मिलेगा? उसी हृदय में अहंकार, उसी हृदय में परमात्मा, साथ साथ कैसे रहेंगे दोनों? दोनों साथ साथ नहीं होगा। इसलिए अहंकार का त्याग। सद्गुरु कहते हैं, धन जौवन का गर्व न कीजिए झूठा पचरंग चोल रे। धन जवानी पद प्रतिष्ठा जो कुछ भी प्राप्त है उनका अहंकार मत करो। ये पचरंग चोल, पांचों विषय या पांच तत्वों से बना इस शरीर झूठा है, आज है कल नहीं रहने वाला है, सदा सदा के लिए समाप्त हो जाएगा, फिर किसका अहंकार? शून्य महल में दीना बारिले आशा से मत डोल रहे। शून्य महल
शून्य महल क्या है? शून्य महल है संकल्पों से शून्य मन। विवेक द्वारा मन को संकल्प मुक्त कर दिए, कोई विचार नहीं है, कोई चिंतन नहीं है। साहब कहते हैं संकल्पों से शून्य मन में ज्ञान का दीप जला लो, शून्य महल में दीना बारी ले। हमारे संकल्प हमारे ज्ञान को ढांकते हैं। संकल्प जितना ज्यादा होगा, विचार जितना ज्यादा चलेगा, उतना हमारा ज्ञान ढका रहेगा, ज्ञानोदय नहीं हो पाएगा। पूर्ण ज्ञान का उद्घाटन तब होगा जब मन मंदिर संकल्पों से खाली हो जाएगा। संकल्प याद स्मरण विचार सोच चिंतन जो कुछ भी कह लें, व्यवहार के लिए चिंतन की ख्याल की विचार की आवश्यकता है। बिना चिंतन किए, बिना विचार किए, बिना याद किए, बिना स्मरण किए व्यवहार नहीं चलेगा। लेकिन व्यवहार की दशा अलग होती है और आध्यात्मिक दशा साधन दशा अलग होती है। यहाँ बात सदगुरु कबीर कहते हैं साधना की बात, परमार्थ की बात। ज्ञान का दीप क्यों नहीं जलता है? क्योंकि संकल्पों की हवा ज्ञान के दीप को बुझा देती है। हवा तेज चल रही है तो दीपक जलेगा कैसे? वो तो बुझ जाएगा। संकल्पों की इतनी अधिक भीड़ है, इतनी तेज आंधी चल रही है अंदर कि एक सेकंड भी तो हम बिना संकल्प के नहीं रह पाते। तब ज्ञान दीप जलेगा कैसे, प्रकाशित कैसे होगा? साहब कहते हैं शून्य महल में दीना बारिले। संकल्पों से शून्य मन में ज्ञान का दीप जला लो। और ज्ञान दीप जल गया, पूरा जीवन प्रकाशित, भटकने का ठोकर खाने का कोई चांस नहीं रह गया। अब आशा से मत डोल रहे। साहब कहते हैं अब आशा से डोलो मत, ये मिल जाए, वो मिल जाए, ये देख लूँ, ये खा लूँ, ये भोग लूँ, यहाँ चला जाऊँ, क्या मतलब इन आशा करने की? आशा ही परमम दुखम, नैराश्यम परमम सुखम, यथा संसिद्ध कांता शाम सुखम सुस्वाप पिंगला। भागवत पुराण में कहा गया है आशा ही परमम दुखम। आशा परम दुख है, बड़ा दुख। एक आशा होती है कि देखने सुनने पाने भोगने की, और एक आशा ये काम मैं कर लूँगा, एक काम मुझे करना है, मुझे कल्याण करना है, सत्संग करना है, ये आशा अलग है। आदमी को आशावान भी होना चाहिए और आदमी को निराश भी होना चाहिए। भिन्न संदर्भ में भिन्न बात। आशावान होना है आदमी को, जो काम मैं करूंगा मुझे सफलता मिलेगी, और लोग सफल होते हैं तो मैं क्यों सफल नहीं हो सकता, ऐसा आशावान बनो। बड़े बड़े लोग फेल हो गए, बड़े बड़े लोग हिम्मत हार गए, बड़े बड़े ऋषि मुनि डगमगा गए, इतने बड़े बड़े लोग डगमगा गए, बड़े ज्ञानी, बड़े विद्वान, बड़े तपस्वी, बड़े साधक भटक गए, उनका पतन हो गया, तो मैं कैसे कल्याण कर सकता हूँ, मैं कैसे साधना कर सकता हूँ, ये निराशा आई, फिर गया काम से। तो यहाँ आशावान बनना है। जब साधारण साधारण लोग संतों संगति में लग करके कल्याण कर लिए, साधारण साधारण लोग जिसे कोई जानते नहीं बड़े बड़े काम कर लिए, ऊंचाई पर उड़ गए, तो मैं क्यों नहीं कर सकता? इस ढंग से आशावान बनो, आत्मबलि। लेकिन निराश बनो, निराश बनो मतलब किसी से कुछ चाहो मत, दुनिया से सुख मत चाहो, भोगों से सुख मत चाहो, दुनिया से प्रतिष्ठा मत चाहो, बाहर से कुछ नहीं चाहना करना है,
भोगों की चाहना नहीं करना, पद प्रसाद चाहना नहीं करना, धन दौलत चाहना नहीं करना, मेहनत करो बस, यहाँ से निराश बनना। तो यहाँ तो आप कहते हैं आशा से मत डोलरे, संसार के भोगों से सुख पाने की आशा में भटको मत। संसार के भोगों को भोग भोग कर ये कौन सुखी हुआ है, किसको तृप्ति मिली है? धन दौलत पद प्रतिष्ठा मान सम्मान गुरुवाई महंती, इनको पाप पा करके कोई आज तक छक सका है, तृप्त हुआ है, संतुष्ट हुआ है? बल्कि तृष्णा बढ़ती गई, लोभ बढ़ता गया, और तृष्णा लोभ के भंवर में आदमी उबता डूबता रहा, भटकता रहा जीवन भर। तो आशा से मत डोलो, भटको मत आशा के पीछे, मेहनत करते चलेंगे आपकी जो आवश्यकता है वो पूरी होती रहेगी, ये विश्वास रखो। आवश्यकता की पूर्ति होती है, आशा और इच्छा की पूर्ति नहीं होती है। आशा और तृष्णा ये दो शब्द चलते हैं। आशा जो अप्राप्त है उनकी आशा होती है, जो हमें नहीं मिला है उनकी आशा होती है वो हमें मिल जाए। तृष्णा मिल जाने पर और बढ़े और बढ़े और बढ़े, ये तृष्णा होती है, अप्राप्ति की आशा, अप्राप्ति की तृष्णा। और आदमी जिंदगी भर इसी आशा तृष्णा धारा में बहता रह जाता है। तो एक है आवश्यकता और एक है इच्छा। आवश्यकता जिसके बिना निर्वाह न हो सके, जिसके बिना जीवन न चल सके, वो आवश्यकता। और जिनके बिना जीवन आराम से चल सकता है वह इच्छा। अब आप सोच सकते हो कि किसके बिना जीवन नहीं चल सकता है और किसके बिना जीवन आराम से चल सकता है। बहुत बताने की जरूरत नहीं है, सब समझदार हैं। तो पूर्ति आवश्यकता की होती है, इच्छा की नहीं होती। और इच्छा ही भटकाती है आदमी को, आवश्यकता नहीं भटकाती है। तो मेहनत करते चले, जो चाहिए आपको मिलता जाएगा। इच्छा और आशा तृष्णा के पीछे भटको मत, वहां केवल दुख 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 है। तो शून्य महल में दीना बारिले आशा से मत डोलता, आप कहते हैं संकल्पों से शून्य मन में ज्ञान का दीप जला लो, आत्मज्ञान का दीप प्रज्वलित करो। और भोगों की आशा में पढ़ करके भटको मत, विवेक के पथ पर चलो, विचार के पथ पर चलो। योग जुगत से रंग महल में पी पाए अनमोल रे, योग की युक्ति से अंतकरण रूपी रंग महल में अनमोल पीव, आत्मा मिल गया। योग जुगति क्या है? सब तरफ से अपने मन को समेट लेना, आत्म संयम कर लेना, ये योग की युक्ति है। वैसे योग ये भी कहा गया है मन का निग्रह अथ योगानुशासनम, योग दर्शन का पहला सूत्र है। मठ पतंजलि कहते हैं अथ योगानुशासनम, अब मैं परंपरा से प्राप्त योग की शिक्षा प्रारंभ करता हूँ। तो लोगों ने पूछा कि महाराज जिस योग की बात आप बता रहे हो वह योग क्या है? तो उन्होंने कहा योगश्चित वृत्ति निरोध, चित्त की वृत्तियों का निरोध कर लेना, चित्त की वृत्तियों को रोक लेना, यही योग है। हमारे चित्त की पांच भूमियां होती, पांच स्थितियां होती है, क्षिप्त मूढ़ विक्षिप्त एकाग्र और निरुद्ध। क्षिप्त मनोवृत्ति की दशा तमोगुण से भरा हुआ मन, रागात्मक संसार के प्राणी पदार्थों का चिंतन, इस भोग में सुख है, इस भोग में सुख है, इस भोग में सुख है,
उनके चिंतन में डूबा हुआ, कहीं भी क्षण मात्र के लिए स्थिर नहीं होता है, हमेशा चंचल बना हुआ है, रजोगुण में डूबी हुई मनोवृत्ति, ये क्षिप्त है, चंचल। मूढ़ तमोगुण से घिरी हुई मनोवृत्ति, आलस, निद्रा, प्रमाद, इनमें डूबी हुई जो वृत्ति है वो मूढ़ता की मूढ़ दशा है। विक्षिप्त, इसमें रजोगुण और तमोगुण बाहर से शांत रहते हैं, इस दशा में विक्षिप्त दशा में सतोगुण का प्रकाश रहता है, सतोगुण का विकास रहता है, लेकिन बीच बीच में रजोगुण और तमोगुण उद्वेग मारते रहते हैं, अपना जोर मारते रहते हैं, है तो शांत सतगुण का प्रकाश है लेकिन बीच बीच में रजोगुण जोर मार लेता है, कभी कभी तमोगुण जोर मार देता है, फिर चिंचल हो जाता है, यह विक्षिप्त है। या विक्षिप्त ऐसा होना मतलब पागल नहीं है, वो तो अलग बात है। फिर एकाग्र मनोवृत्ति किसी एक विषय में केंद्रित हो गई, कोई शुभ आलंबन, आत्मचिंतन में लग गए, साथ देख रहे हैं उसी में मनोवृत्ति लगी हुई है, आंख बंद कर ली ज्योति दिखाई पड़ रही है उसमें मनोवृत्ति लगी हुई है, आंख बंद कर लिए गुरु के चित्र दिख रहे हैं बस उसमें मन को रोक दिए, कोई एक शुभ आलंबन में मन एकाग्र, एकाग्र का अर्थ क्या है, एक अग्र, एक अकेला अग्र, सामने सामने केवल एक अकेला रह जाना, बस आंख बंद किए सब भूल गए, गुरु चित्र ही दिखाई पड़ रहा है, बस अकेला है एकाग्र हो गया, आंख बंद किए हैं सांस को केवल सांस को देख रहे हैं बाकी सब भूल गए, एकाग्र हो गया, आंख बंद कर लिए ज्योति दिखाई पड़ रही है ज्योति के अलावा सब भूल गए वो एकाग्र हो गया। तो किसी एक शुभ आलंबन में चित्त का रुक जाना, मनोवृत्ति का रुक जाना, ये एकाग्र दशा है। इसके आगे निरुद्ध अंतिम, कोई आलंबन नहीं, बिल्कुल शांत, कोई याद नहीं, कोई संकल्प नहीं, कोई चिंतन नहीं, मनोवृत्ति का भटकना एकदम बंद हो गया, ये वास्तविक योग। तो योग चित्तवृत्ति निरोध है, योग क्या है, चित्तवृत्तियों का निरोध हो जाना, चित्तवृत्तियों का शांत निरुद्ध, निरुद्ध मतलब पूर्णतया रुक जाना। तो फल क्या होगा इसका, चित्तवृत्तियां तो शांत हो गई, रुक गई, तो परिणाम क्या होगा इसका, तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम, तब दृष्टु दृष्टा का दृष्टा चेतन अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है, दृष्टा ये चेतन है, दृश्य सामने जगत है, जो कुछ दिखाई पड़ रहा है, आंख से दिखाई पड़ रहा है, कान से सुनाई पड़ रहा है, नाक से सूंघने में आ रहा है, जीभ से चखने में आ रहा है, त्वचा से छूने में आ रहा है, मन से सोचने में आ रहा है, सब का सब दृश्य है, और दृष्टा इन्हीं दृश्यों में भूला रहता है, लेकिन इनमें न भूल करके दृष्टा का अपने आप में स्वरूप भाव में स्थित हो जाना, आत्मलीन हो जाना, आत्मस्थित हो जाना, बस ये योग का फल है। बस योग दर्शन के यही तीन सूत्र महत्वपूर्ण है, बाकी तो इसकी व्याख्या है। तो दृष्टा अपने स्वरूप में स्थित हो गया, परमात्मा मिल गया, ये कहने का तरीका है, बस मिलता तो नहीं, स्थित होना है बस। तो यहां सदगुरु कबीर कहते हैं, जोग जुगत से रंग महल में पी पाए अनमोल रे, अनमोल पी बिना पैसे का, एक तो अनमोल बिना पैसे का, और अनमोल जिसका कोई मूल्य चुकाया नहीं जा सकता वो भी है, इस चेतन जीव का कौन सा मूल्य चुकाया जा सकता है, चेतन जीव के मूल्य में दुनिया की क्या कोई संपत्ति है, इसकी कीमत बराबर कुछ नहीं है। तो एक और तो ये अनमोल है, इसके इसकी कीमत आकी नहीं जा सकती, और दूसरी ओर अनमोल अपने आप को पाने के लिए पैसा क्या देना है, ये तो मुफ्त की चीज़ है, हम स्वयं ही हैं,
जो चीज़ खरीदनी है तो पैसा देना पड़ेगा, अपने आप के लिए क्या पैसा देना है, वो तो अनमोल, बिना पैसे के। तो अनमोल पी मिल गया, कैसे, योग की युक्ति से। योग युक्ति क्या है, मन को समेट समेट करके बाहर से लौटा लौटा करके अंतर्मुख करते जाना, आत्मलीन करते जाना। हाँ, इसके लिए अन्य जो साधनाएं हैं उनकी भी आवश्यकता है। खाली मन ऐसे नहीं अंतर्मुख होगा, स्वाध्याय चाहिए, सत्संग चाहिए, सद्ग्रंथ साधु संगति चाहिए, दया क्षमा सत धीर विवेक विचार जो सद्गुण सचार है, भक्ति चाहिए, विनम्रता चाहिए, सेवा चाहिए, ग्रंथों का पाठ पठन चाहिए, अच्छे विचारों का चिंतन मनन चाहिए। ये सब जब इतना सब का होगा, विकारों का त्याग जितना होता जाएगा, सद्गुणों का आचरण जितना होता जाएगा, मन बाहर से समेटता जाएगा, तब कहीं आ जा करके मन आत्मलीन होगा। खाली हम बैठ गए दुर्व्यसनों का, दुर्गुणों का, दुराचरणों का, बुरे कर्मों का, कुछ चिंतन का त्याग नहीं है, सद्गुण सहचार साधु संगत का ग्रहण नहीं है, सेवा भक्ति नहीं है, तब खाली हमारा बैठ जाना ये काम नहीं आएगा। सर्वांग साधन लेकर के चलना होगा, तब योग की जो युक्ति है वो पूरी होगी, तब योग में सफलता मिलेगी। तो योग जुगत से, योग जुगत से रंग महल में पी पाए अनमोल रे, सदगुरु कबीर कहते हैं योग की युक्ति से धीरे धीरे साधना करते करते ये अंतकरण रूपी हृदय रूपी रंग महल में आत्मा रूपी अनमोल पी की प्राप्ति हो जाएगी, आत्मा साक्षात्कार आत्मस्थिति हो सकेगी। कहत कबीर आनंद भयो है बाजत अनहद ढोल रे। अब मन अंतर्मुख हो गया, आत्मलीन हो गया, अनमोल पी मिल गया, आत्म साक्षात्कार हो गया, तो आनंद हो गया। क्लेश के लिए, पीड़ा के लिए कोई जगह नहीं बची, क्योंकि मन का भटकाव, मन का बहिर्मुख बने रहना, यही क्लेश का, पीड़ा का, दुख का मुख्य कारण है। अब मन का भटकाव बंद, मन की बहिर्मुखता बंद, मन आत्मलीन हो गया, अंतर्मुख हो गया, आनंद ही आनंद, कहाँ क्लेश है, बसे आनंद अटारी। अब आनंद की अटारी में, आनंद की अट्टालिका में बस गए, आनंद की धारा हमारे आपके भीतर निरंतर प्रवाहित हो रही है, आपका स्वरूप आनंद स्वरूप है, आपके स्वरूप में कोई क्लेश नहीं है, कोई दुख नहीं है। यदि हमारे स्वरूप में ही कोई दुख होता, हमारे स्वरूप में कोई पीड़ा होती, तो कितनी भी हम साधना कर लेते, कितना भी त्याग बैराग करते, दुख से पीड़ा से हम अपने को बचा नहीं सकते, क्योंकि स्वरूप का त्याग कैसे करेंगे, स्वभाव का त्याग कैसे करेंगे। ये तो मान मान करके हम दुख बनाते हैं, दुख आपका स्वरूप नहीं है, आनंद आपका स्वरूप है, आप सच्चिदानंद स्वरूप हैं, ब्रह्म रूप हैं, आप सत हैं, चिद हैं, आनंद रूप हैं, लेकिन अनुभव क्यों नहीं होता। बस बात वही है कि मन बहिर्मुख बना है, हम आनंद खोते हैं क्षणभंगुर प्राणी पदार्थों में, तो जो चीज जहां है नहीं वहां मिले कैसे। इतनी हमारी भूल पर सद्गुरु कबीर ने कहा है, जहां नहीं तहां सब कुछ जानी, जहां कुछ भी आनंद नहीं है वहां आदमी ने सारा आनंद मान लिया है, और वहीं भटक रहा है, वहां मिले कैसे। लेकिन साहब कहते हैं करना क्या है, जहां है तहां ले पहचानी, जहां है वहां पहचान करो, कहां है वह सुख का स्रोत, सुख का केंद्र,
आप में। मन के विकारों का, मन की बहिर्मुखता का त्याग कर दें, बस आनंद आनंद। तो कहें कबीर आनंद भयो है, सदगुरु कबीर कहते हैं अब अनमोल पी मिल गया, पति परमात्मा मिल गया, मन शून्य हो गया है, दुख खत्म, अब तो आनंद ही आनंद है। बाजत अनहद ढोल रहे, अब अनहद ढोल बज रहा है, अनहद ढोल निरंतर आत्मानुभव होते रहना। एक अनाहत नाद मानते हैं कि भी अनाहत नाद भी मन एकाग्र करने के लिए एक साधन है। सारी इंद्रियों को समेट लिए तो अंदर खोपड़ी में आवाज उठती है कहा जाता है। हाथ की उंगलियों से कान के दोनों छिद्रों को, आंख को, नाक को, मुंह को सब बंद कर लिया जाता है, मन को बाहर समेट लिया जाता है। तो कहते हैं वहां अंदर खोपड़ी में शंख, भेरी, मृदंग, सहनाई, बांसुरी, पखावज, ये 10 प्रकार के बाजे बजते हैं, उसे अनाहत नाद कहा जाता है। और कई लोग कहते हैं ये अनाहत नाद यही ब्रह्म है, ये ब्रह्म ध्वनि है, उस ध्वनि को सुनते रहो तो ब्रह्म मिल जाएगा। और जो सुनाई पड़ रहा है वो ब्रह्म क्या होगा? सुनाई पड़ने वाली चीज बड़ी नहीं होती है, सुनने वाला बड़ा है। उस ब्रह्म ध्वनि को, अनाहत नाद को सुन कौन रहा है? सुन रहे हैं आप ना, तो सुनने वाला बड़ा होगा, सुनने वाली की सुनाई पड़ी चीज बड़ी होगी, सुनने वाला बड़ा होता है। मैं तो पूछूं पंडिता, शब्द बड़ा की जीव, शब्द बड़ा होगा कि शब्द बोलने वाला, शब्द सुनने वाला जीव बड़ा होगा? आप बड़े हैं। वो अनाहत नाद मन रोकने का एक साधन है, वो भी अनाहत नाद नहीं है, वो भी आहत ही नाद ही है। अनाहत नाद, अनाहत नाद किसे कहते हैं? अनआहत। अन कहते हैं नहीं को, आहत कहते हैं चोट को। जो आवाज बिना चोट पहुंचाए उत्पन्न हो उस आवाज को कहते हैं अनाहत नाद। लेकिन कोई भी आवाज बिना चोट के उत्पन्न नहीं होती है। सूक्ष्म से सूक्ष्म आवाज है तो चोट वहां है। हमारी जीवा, जब हम बोलते हैं तब हमारी जीवा कंठ, ओठ, दंत, तालु आदि से टकराती है, वहां की हवा में ठोकर लगती है, एक तरंग उत्पन्न होती है, तब शब्द उत्पन्न होता है। जहां हवा नहीं होगी वहां आवाज नहीं होगी। साउंड प्रूफ कमरा बनाया जाता ना इसलिए बाहर से, तो हवा में तरंग उड़ती, जब हमारी जीव टकराती है कंठ, ओठ, दंत, तालु आदि से, तो हवा में तरंग उत्पन्न होती है, हवा में ठोकर लगती है, वही तरंग आवाज के रूप में हमें सुनाई पड़ती है, तो वह भी चोट लगने से होती है। तो बिना आहत के, बिना चोट के आवाज उत्पन्न नहीं होती, लेकिन चूंकि अंदर सुनते इसलिए कहते हैं वो अनाहत नाद है, वो भी आहत नाद ही है, मन रुकने के साधन, वो ब्रह्म कुछ नहीं है। अनाहत नाद क्या है? निरंतर आत्मानुभव होते रहना, अंतरात्मा की आवाज। सब समय आत्मानुभव हो रहा है, बस अनाहत नाद बज रहा है। तो कहें कबीर आनंद भयो है, बाजत अनहद ढोल रहे। साहब कहते हैं अब तो मन बाहर से लौट करके अंतर्मुख हो गया, आत्मलीन हो गया, आनंद की धारा बह रही है, और निरंतर आत्मानुभव का अनाहत नाद बज रहा है। अब जीवन में केवल आनंद आनंद, प्रसन्नता ही प्रसन्नता है। इसलिए साहब कहते हैं घूंघट का पट खोल रहे तो को पीव मिलेंगे। घूंघट अविद्या का पर्दा, मोह का पर्दा, विकारों का पर्दा हटा दो, आत्मा रूपी परमात्मा का साक्षात्कार जहां बैठे हैं वहीं हो सकता है।
हमको भटकना कहीं नहीं है। जो गंदी आदतें हम लोगों ने बना रखी है, मन में तमाम प्रकार के विकारों का संग्रह कर रखा है, इनको ही दूर कर देना है विवेक विचार संयम साधना सेवा भक्ति द्वारा। बस जो हम चाहते हैं सब का सब मिल जाएगा, जीवन इसी में कृतार्थ हो जाएगा। अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम। अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम। अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम।